देखिए हम लोग तीन तरह चार तरह का एरर लगभग पढ़ चुके थे। एक एरर पढ़े थे बच्चा लोग कि जिसमें एंट्री छूट गया है तो एंट्री कर देना है। एक एंट्री तो सही हुआ है लेकिन दोनों साइड अमाउंट कम दिखा दिया गया है तो और जितना कम दिखा है उतना का एंट्री कर देना है। ज्यादा दिखा दिया है तो उसका रिवर्स एंट्री करके उसको क्या कर देना था, कैंसिल कर देना था। और एक पढ़े थे कि किसका भी डेबिट में गलत हो गया, डेबिट में कुछ गलत लिखा गया या क्रेडिट में गलत लिखा गया, वो सिखा दिए थे हम लोग। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक क्लियर है, आगे हम लोग आज फिर पढ़ रहे हैं कुछ और नया टॉपिक है ना, उसके बाद एक आध टॉपिक और है पढ़ा के फिर हम लोग क्वेश्चन बुक से बना सकेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जितना एंट्री अभी अब तक आपको मैंने बताया, चार तरह का प्रॉब्लम्स बताया था ना, चारों में क्या था कि ये गलतियां जर्नल एंट्री के समय हो रहा था। किस समय हो रहा था? सिर्फ जर्नल नहीं होता, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, अगले स्टेप्स में भी गलती हो सकता है। जर्नल में हम लोग देखे ना कि एंट्री ही नहीं किए, जर्नल एंट्री छूट गया कम्प्लीटली है ना, तो वो एंट्री कर देना था। ठीक है, जर्नल एंट्री तो किए लेकिन दोनों साइड अमाउंट कम लिख दिए, 4000 तो 400 लिख दिए तो 3600 को और एंट्री कर दिए, ज़्यादा लिख दिए मतलब अगर 400 है तो 4000 लिख दिए तो बदले में हम लोग उल्टा एंट्री करके 3600 कैंसिल कर दिए। फिर देखे कि एंट्री तो किया लेकिन डेबिट में कभी गलत आइटम लिख दिया या क्रेडिट में कभी गलत आइटम लिख दिया तो उसको सुधार किए हम लोग, किया ना। अब हम लोग के सामने आ रहा है कुछ नया टाइप का एरर, वो हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब जर्नल एंट्री, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सब्सिडियरी बुक पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? ये जो हम एरर्स की अब बात करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड एरर है। अब सब्सिडियरी बुक से रिलेटेड एरर का क्या मतलब होता है, हम आपको याद दिला दें, आप लोग पढ़े होंगे इसमें नॉर्मली आप पढ़े होंगे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम लोग, परचेज बुक ठीक है, उसके बाद क्या होता है सेल्स बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। चार तरह के बुक का जिक्र हुआ था। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा था जरा समझने की जरूरत क्या है, जब हम लोग परचेज बुक बनाते थे ऐसे तो डिटेल में बहुत कुछ बनाते थे, डेट लिख देते थे, डिटेल लिख देते थे, अमाउंट लिख देते थे, वाउचर नंबर फलाना ठिकाना है ना, उतना पे हम नहीं जा रहे। परचेज बुक में क्या लिखाता था, पढ़े हैं ना नहीं पढ़े हैं? परचेज बुक क्या होता है उसमें क्या लिखा जाता है ये बताइए, सेल बुक क्या होता है सेल बुक में क्या लिखा जाता है, परचेज रिटर्न बुक क्या होता है उसमें क्या लिखा जाता है, और सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है उसमें क्या लिखा जाता है, ये हम आपको बता दे रहे थे। देखिए पहले तो कैश बुक बनता है, कैश बुक में क्या लिखा जाता था, सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम, या तो कैश आया या तो कैश, वहां देखे थे कि आप लोग उधार खरीदना उधार बेचना है ना, ये सब चीजें कभी सेल्स बुक में सॉरी कैश बुक में नहीं जाता था, तो वो सब चीजें कहां जाता था, वो सब्सिडियरी बुक में चला जाता था। परचेज बुक में हम इन सिंगल वर्ड्स बोले बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, इस तरह का था बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट। कहने का अर्थ है राम से 5000 का गुड्स उधार खरीदे तो यहां क्या लिख देते थे ऐसे राम 5000। और देखिए यहां याद रखिए बच्चा हम वहां पर सब दो इंपॉर्टेंट बात है इसमें है ना, ये जो हम लिखे हैं परचेज बुक में क्या लिखा जाता है गुड्स क्रेडिट है ना, दो बातें है ना। अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे तो वो सब्सिडियरी बुक में नहीं जा सकता, क्या खरीदना है गुड्स। हाँ अगर आप फर्नीचर के ही व्यापारी हैं तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो जाएगा गुड्स हो जाएगा, तब वो लिख सकते थे, अदरवाइज मतलब सबसे पहली बात है परचेज बुक में क्या लिखाता है, जो गुड्स खरीदा गया और उधार में खरीदा गया वो हमारा कहाँ लिखाता है परचेज बुक में, ठीक है ठीक है। अच्छा और देखिए जैसे मोहन से गुड्स उधार खरीदे हम लोग, मोहन से गुड्स क्या खरीदे उधार खरीदे तो क्या लिखते हैं हम लोग मोहन, और मान लो 10000 का खरीदे 10000 लिख दिए, और इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं टोटल कर देते हैं, तो टोटल करके क्या हो जाता है 15000, समझ में आ रहा बात को। फिर इसका जर्नल एंट्री भी पास होता है, जर्नल एंट्री कैसे पास होता है, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ये टोटल कितना 15000। देखिए हम समझा रहे हैं लैंग्वेज का मतलब समझने के लिए जरूरी है, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 15000, और फिर क्या लिख देते हैं टू राम 5000 और टू मोहन 10000,
ठीक है, क्लियर है सब। परचेज बुक शॉर्ट में हम बताया कि ऐसे ही बनता है। परचेज बुक में क्या लिखा जाता है बच्चा लोग, जो हमने गुड्स खरीदा कैसे उधार, वही कहां लिखाता है परचेज बुक में, क्लियर ठीक है। परचेज बुक में क्या लिखा जाता है, अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है परचेज बुक में लिखाता है। और फिर उसका एंट्री कैसे होता है, परचेज अकाउंट डेबिट और जो जो पार्टी का नाम है सब लिख के यहाँ पर दिखा देता है। ये कौन सा बुक था, अब सेल बुक की बात करें, है ना। सेल बुक में भी ऐसे ही होता है सर, कुछ नया नहीं है इसमें, है ना। बस एंट्री में क्या होता है, इस तरह से लिखा के जैसे अमित को गुड्स उधार बेचा तो अमित लिख दिए 10,000, सुमित को गुड्स उधार बेचा तो यहाँ भी याद रखिए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ क्या लिखाता है मतलब गुड्स बेचना है उधार बेचना है, ठीक है। सोहन को बेचा तो 10,000 तो सोहन लिख दिए, टोटल क्या कर दिए जोड़ के यहाँ पर कितना 20,000। और एंट्री क्या होगा, अमित अकाउंट डेबिट कितना 10,000, सुमित अकाउंट डेबिट कितना 10,000 और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है क्लियर है। परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न वाला आइटम लिखते हैं, ठीक क्लियर है। और उसके बाद एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री करते हैं हम लोग, पार्टीज अकाउंट डेबिट, पार्टी मतलब जो नाम है उस व्यक्ति का, और टू परचेज रिटर्न, समझ में आया। और सेल्स रिटर्न में इसी तरह से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सेंटेंस में यह बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए कि रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, क्या बोल दे, मतलब आपको क्या सोचना है, आपको यह सोचना है कि सिर्फ परचेज बुक में वो नहीं लिखाया होगा, बुक में लिखाने के बाद ये एंट्री भी हुआ होगा, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहा है कि सुमित को 20,000 का गुड्स हमने बेचा और वो परचेज बुक में लिखाया, क्या लिखाया, तो आप सोचिए कि परचेज बुक में लिखाया होगा सुमित, है ना, और बाद में एंट्री होगा परचेज टू सुमित, मतलब परचेज बुक में लिखाया मतलब ये एंट्री हो गया बाद में परचेज टू सुमित, सेल बुक में लिखाया तो मतलब क्या हो गया सुमित टू सेल्स, है ना। परचेज रिटर्न बुक में लिखाया तो क्या होगा सुमित टू परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न बुक में लिखाया तो क्या लिखाया सेल्स रिटर्न टू, समझ में आ गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि बुक में लिखने का मतलब सिर्फ बुक में लिखना नहीं है, बुक का लिखने के बाद अगला स्टेप्स भी हुआ होगा, उसमें क्या स्टेप्स हुआ होगा, एंट्री पास हुआ होगा, ठीक है, क्या एंट्री पास हुआ होगा, क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए गलती कहाँ होती है, समझ में आ गया सबको, बोलिए। तो इन फाइनल हम बात कर रहे हैं, मिटा रहे इसको यहाँ पर, ठीक है। इन फाइनल हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन में ये बात बोले कि परचेज बुक में लिखा गया, इसका मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि एंट्री हुआ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या सप्लायर अकाउंट बोल देते हैं, जिससे हम लोग गुड्स खरीदते हैं उसको कस्टमर तो नहीं बोल सकते, उसको हम लोग सप्लायर बोलेंगे, ठीक है ना, सप्लायर में नाम होगा जो होगा। तो परचेज बुक में लिखाया मतलब एंट्री हुआ परचेज टू सप्लायर, सेल बुक में लिखाया मतलब एंट्री हुआ क्या एंट्री हुआ सप्लायर नहीं कस्टमर बोलेंगे, सेल तो हम कस्टमर को करते हैं, ठीक है, नाम ही लिखेंगे आदमी का, लेकिन थोड़ा सा डिनोट करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। कस्टमर टू सेल्स ये एंट्री हुआ होगा। परचेज रिटर्न बुक में लिखाया मतलब क्या लिखाया सप्लायर, देखिए ना ये एंट्री का जस्ट उल्टा हो जाता है, सप्लायर टू परचेज रिटर्न, बस रिटर्न लग जाता है। सेल्स रिटर्न बुक में लिखा है मतलब सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, ठीक है, समझ गया सब लोग। तो ये आपको एक बेसिक बात जानना जरूरी था। अब होता क्या है, क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा, अब गलती किस तरह का होगा, अब जरूर समझ में आ गया। परचेज बुक में लिखाने का मतलब क्या एंट्री हुआ समझ गए, परचेज टू सप्लायर, सेल्स बुक में दिखाने का मतलब कस्टमर टू सेल्स, सेल्स परचेज रिटर्न में मतलब सप्लायर टू परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, यही एंट्री हुआ है, समझ रहे। गलती क्या होता है, अब बात हम लोग आते हैं एरर्स पे। हाँ सर, किस तरह का एरर यहाँ पर हो सकता है, एरर ये होगा कि अमित से गुड्स उधार खरीदे हैं लेकिन गलती से हम सेल बुक में लिख दिए, अमित को गुड्स उधार बेचे हैं लेकिन गलती से हम परचेज बुक में लिख दिए, ठीक है। किसी को से कुछ किसी को गुड्स हम क्या किए हैं रिटर्न किए हैं, हम रिटर्न किए हैं मतलब परचेज रिटर्न, लेकिन हम गलती से सेल रिटर्न बुक में लिख दिए। किसी से गुड्स रिटर्न आया है और गलती से हम परचेज रिटर्न बुक में लिख दिए, मतलब समझिए कि आप बुक में ही नहीं लिखे, बुक में लिखने के बाद एंट्री भी गलत हो गया। और एंट्री का ही फर्क पड़ता है कहां पे, ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि एंट्री गलत हो गया तो एंट्री की वजह से लेजर गलत हो गया, लेजर की वजह से आगे चल के गलत हो गया, समझ में आ रहा है बात को। तो मेन आपको इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एंट्री याद हो गया, परचेज के लिए क्या एंट्री होता है परचेज टू सप्लायर, सेल के लिए कस्टमर टू सेल्स, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, इतना याद रखिए।
अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस अपने से लेके इससे रिलेटेड करते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, जैसे क्वेश्चन नंबर वन अबाउट गुड्स फ्रॉम स्वाति रुपीज 2000 रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक लो। समझ में आ गई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि बाउट गुड्स फ्रॉम स्वाति, स्वाति से हमने गुड्स खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा, लेकिन गलती से हमने परचेज बुक में लिखने की बजाय सेल बुक में लिख दिया, ये लो गड़बड़। समझ में आ रहा ना? स्वाति से गुड्स क्या किया था है? लेकिन हम कहां से कहां लिख दिए गलती से, सेल बुक में। मतलब ऐसा है, मतलब हम यहां समझने के लिए लिख रहे हैं राइट रॉन्ग और रेक्टिफाई। अब देखिए प्रैक्टिस करते करते ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा तो अब डायरेक्ट लिखना तो रेक्टिफाई ही होता है, लेकिन ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस की बात सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मतलब हम आप गुड्स खरीदे हैं किससे, स्वाति से, सो एंट्री, तब मतलब ये जाना चाहिए था परचेज बुक में, जाना चाहिए था ना? अब परचेज बुक में जाने के बाद एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू स्वातीज अकाउंट, कितना 2000, ये होता सही एंट्री, ये क्या होता, चलिए ही सही होना चाहिए था, लेकिन आपने क्योंकि परचेज बुक में लिखना था और परचेज बुक में लिखने के बाद एंट्री यहां पहुंचना चाहिए था। जाइए दूसरी बात, ये तो राइट होता, लेकिन आपने क्या गलती रॉन्गली कर दिया बच्चा, लेकिन आपने एंट्री तो ये किया नहीं, आपने एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया। क्या रॉन्ग कर दिया भाई, आप परचेज में ना लिख के सेल बुक में लिख दिए इसको, मतलब आपने एक तरह से क्या एंट्री कर दिया, आपने एंट्री कर दिया स्वातीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट लो, कितना 2000, मतलब होना था का और हो गया क्या। अब सवाल आ रहा है कि हाउ कैन रेक्टिफाई दिस एरर, है ना, इस गलती को किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, ठीक है? रहे? मतलब रेक्टिफिकेशंस की बात आए, रेक्टिफाई, हाँ सर आइए रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाई करने का ये तरीका, पता है कुछ सही दिख रहा है आपको, डेबिट में क्या लिखना था आपने कहा लिख दिया, क्रेडिट में क्या लिखना था अब कहा लिख दिया, ना तो डेबिट सही ना क्रेडिट सही है ना, ठीक है? मतलब ये कंप्लीटली गलत है कि नहीं है, डेबिट का आइटम क्रेडिट में, क्रेडिट तो बहुत सारा गड़बड़। तो इसका सही तरीका ये है कि जो एंट्री आपने गलत किया है उसको आप कैंसिल कर दें, और जो सही एंट्री होना चाहिए वो फिर आप लिख दें। क्या करना है बोलिए, गलत एंट्री को कैंसल और सही एंट्री को लाना है। अच्छा तो सर कैसे होगा ये बताइए, हम बताते हैं आपको। ये रॉन्ग एंट्री है ना, कैंसल करने के लिए जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया जाए, जो क्रेडिट हुआ उसको, यू कैन से कि रिवर्स एंट्री पास करके हम उसको कैंसल कर सकते हैं। मतलब कैंसल करने के लिए स्वाति को डेबिट करना पड़ेगा 2000, और सॉरी एक मिनट, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा 2000, और स्वाति को क्रेडिट करना पड़ेगा 2000। क्यों ऐसा किया, समझ में आया? उल्टा, स्वाति डेबिट हुआ है तो क्रेडिट करके खत्म कर दे, सेल्स क्रेडिट हुआ है तो डेबिट करके खत्म कर दे। तो अभी तो सर पे एंट्री, इतना करने के बाद ये एंट्री खत्म हो जाएगा, अभी एंट्री का कोई मतलब नहीं। लेकिन एंट्री खाली खत्म थोड़े करना है, सही एंट्री पास भी तो करना है। अब सही एंट्री पास क्या है मेरा, परचेज, तो फिर हम क्या करेंगे, परचेज को डेबिट भी करेंगे, कितना 2000, और स्वाति को क्रेडिट करेंगे, कितना 2000। अब ये दोनों काम कर दीजिए, हो गया काम आपका। तो देखिए हुआ क्या, डेबिट कौन कौन हुआ, सेल डेबिट हुआ, परचेज डेबिट हुआ, और स्वाति दो बार क्रेडिट हुआ। तो दो बार लिखने के बजाय दोनों अमाउंट ऐड करके क्यों ना लिख दें हम लोग, समझ में आ रहा है बात को? तो हम लोग यहां एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफाई करने का एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट 2000,
परचेज अकाउंट डेबिट 2000, टू स्वातीज अकाउंट 4000। यही आपका रेक्टिफाई करने का प्रोसेस है, ठीक है। इतना लंबा नहीं जाएगा हर बार, बात समझिए। अभी हम समझा रहे हैं इसलिए इतना इन डिटेल जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस के बाद देखिएगा, आप अपने दिमाग से भी ये काम कर सकते हैं। मतलब गलत तो एंट्री का उल्टा और सही एंट्री का सीधा, हम मिला के बना दो एंट्री। समझ में आई नहीं है बात को? ये हो गया। अच्छा, एक और सवाल हम लोग इसी से रिलेटेड ले लेते हैं, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू रोहित रुपीज 1000 रॉन्गली इंटर्ड इन क्या परचेज बुक। चलिए आप लोग की बात हम मान लें। देखिए अब हम उतना नहीं करने वाले हैं, अब आपको समझा दे रहे हैं हम, ठीक है। हर चीज लिखेंगे नहीं हम उतना, ठीक है। समझा दिया मैंने आपको डिटेल में। आपने क्या किया है, गुड्स बेचा है रोहित को। कहां जाना चाहिए था, उधार बेचा कि नगद बेचा? नहीं बोला, नहीं बोला तो मैंने जनरल एंट्री में सिखाया कि अगर नहीं बोलता है नगद उधार नाम अवेलेबल होता है तो हम उसको उधार ही मानते हैं। तो मतलब ऐसा है कि हमने रोहित को गुड्स बेचा। कैसे बेचा? उधार बेचा। कहां जाना चाहिए एंट्री, क्या होना चाहिए? रोहित टू सेल्स, इट इज अ राइट एंट्री, रोहित टू सेल्स। लेकिन आपने कहां एंट्री कर दिया? मैंने आपने क्या कर दिया, परचेज टू रोहित, ठीक है। अब कैसे सुधार होगा भाई, क्या गलती से आपने कर दिया? होना क्या चाहिए था, से रोहित टू सेल्स और आपने कर दिया परचेज टू रोहित, है ना। तो भाई पहला बात तो परचेज टू रोहित होना नहीं चाहिए था, इसलिए कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए रोहित को डेबिट 1000 और परचेज को क्रेडिट 1000। समझ में आया? क्योंकि हमने एंट्री क्या कर दिया है, परचेज टू रोहित, है ना। तो रॉन्ग है ना, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, रोहित को क्रेडिट कर दिया। कैंसिल करने के रोहित को हम उल्टा डेबिट कर दे रहे हैं और परचेज को क्रेडिट कर दे। इतना से तो सिर्फ एंट्री कैंसिल हुआ, है ना। अब सही एंट्री क्या है सेल बुक में लिखने का, रोहित टू सेल्स, मतलब अगेन रोहित डेबिट कितना 1000 और अगेन सेल क्रेडिट कितना 1000। तो मिला जुला के अब रेक्टिफाई एंट्री बना, रोहित अकाउंट डेबिट 1000, 1000 क्या 2000, वाह। रोहित अकाउंट डेबिट कितना 2000, ठीक है। टू परचेज अकाउंट 1000 और टू सेल्स अकाउंट 1000। बोलिए समझ में आ रहा है? इतना भी टफ नहीं है, बेमतलब। देखो वो एक क्या है ना, स्कूल्स वालों का गलती क्या है कि डायरेक्ट बुक पे आते हैं, वो कभी नहीं होता। समझ रहे हैं? अपना अपना तरीका से बताइए, अच्छा रहेगा। समझ में आ गया ये? अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इधर में, तो और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। बाउट गुड्स फ्रॉम प्रीति रुपीज 3000 रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। समझ गए? हाँ जी, देखिए समझिए, यहां पर ध्यान दीजिए, अपने समझिए। बाउट गुड्स फ्रॉम रोहित प्रीति, प्रीति से गुड्स खरीदा, क्या मतलब उधार खरीदा। कहां जाना चाहिए था, परचेज बुक में। एंट्री क्या होना चाहिए था, प्रीति टू सॉरी परचेज टू प्रीति, एंट्री होना चाहिए था परचेज टू प्रीति, सही होता। आपने कहां एंट्री कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में। मतलब आपने क्या एंट्री कर दिया, प्रीति टू परचेज रिटर्न, दैट इज रॉन्ग, है ना। पहले तो आपने गलती से क्या एंट्री कर दिया है, प्रीति टू परचेज रिटर्न, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमको कैंसिल करने के लिए प्रीति टू परचेज रिटर्न हुआ है, इसलिए परचेज रिटर्न और प्रीति, है ना, ये परचेज रिटर्न है और ये प्रीति है, ठीक है। परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा 3000 और प्रीति को क्रेडिट करना पड़ेगा 3000, क्योंकि हमने एंट्री क्या कर दिया गलती से, प्रीति टू परचेज रिटर्न, जो कि सही नहीं है, है ना। होना क्या चाहिए था, तो उल्टा करने के लिए परचेज रिटर्न टू प्रीति, परचेज रिटर्न टू प्रीति कर दिए, है ना, ठीक है। ये तो गलत एंट्री कैंसिल किया आपने, अब सही एंट्री लाना है। आपने परचेज किया तो सही एंट्री क्या होगा, परचेज डेबिट
और प्रीति क्रेडिट, कितना 3000, ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अब आप देख लो तो सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, डेबिट क्रेडिट, हाँ ठंडा है दिमाग काम थोड़े करता हूँ, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट, नहीं समझे, परचेज अकाउंट डेबिट दैट इज 3000 है ना, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट दैट इज 3000 और टू समझ में आ रहा है, यही तो है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक होता है अगला, एक और बता दें, समझ गए।